6-7 की उम्र से ले गए। मेरे बाप दादा 18 एकड़ भूमि के पक्के मदारी थे। कम से कम 15-16 साल उसका मुकदमा चला। सेशन जज ने फैसला कर दिया वही जमीन को छोड़ दे, 7.5 किलो सरपंच के दिए ना है। मृदा ने उठा कर दिया, वो ना सरपंच मिली ना हुआ। मतलब ये मुख्यमंत्रियों को भी चर्चे डाले, लेकिन उनने भी कोई सुनाई नहीं करी। उसके बाद ट्रक चलाना सीखा, ट्रक चलाया 40-45 साल। उसमें भी मेरे पास बैठी भी पड़ी है, हम तो ईमानदारी ले रहे हैं, लेकिन गाड़ी मालिक को और लोग चलाकर चोरी दे, पुलिस को मंथली दो, गाड़ी मालिक को भी कमा कर दो। हम ईमानदारी रहे, सारी उम्र आधी तनख्वाह में ट्रक चलाया और आगे गाड़ी मालक का पूरा कोटा करा, पुलिस आया पूरे कोटे करे, सारी जिंदगी माली जिंदगी में चली गई। एक मेरे गांव का मैं गाड़ी ले जाना रहा, पीछे जाने का टक्कर मार दी, बराबर वो जान बूझ गए, वह एक साइड में पड़ गई। अगर पुलिस वाला मौका देखा, पुलिस वाले बोले बोला भाई सिद्धरा उनकी तो कोई गलती नहीं, तू राजीनामा कर ले, को जानवर दिखा रहे वो जानवर आ गया, तुमने कलम मिल रहा है। बोला ना मैं नहीं राजीनामा करता। अच्छा मुकदमा चालू हो गया, तो 3.5 साल हो गए। मैं वकील ने बोला मैं यार मेरा फैसला करवा देना, ना तो मैं गाड़ी चला सकता, नून तो मेरा भाई मार दिया, उसकी तारीख भुगतू, नून तो ये तारीख भुगतू, 3.5 साल हो गए, ना मैं गाड़ी चला सकता, मेरा तो कर्जा पूरा चढ़ गया। मैं बड़ा फैसला करवा दे, रोना मैं कहूंगा सेशन जज ने। बोला ना कुछ ना कहिए, ये तुमने जेल में बंद कर देगा। आज उन्होंने तारीख ले ली, बोला आधा तारीख ले ली। मैं बोला माँ बचा हूँ, मैं एक चिट्ठी ले रहा, मैं सेशन जज को आकर गए। अरे सेशन जज एकला हो गया, मैंने और चिट्ठी कर दी उसका आगे। अरे वो रीजन ना अपना आगे दे रहा, माँ आगन कर दे नहीं सुने। अरे उन्होंने आगन कर दी, उसमें लिखा था सच्चाई कौन तो सरकार का दुश्मन, सरकार कौन सरकारी वकील व पुलिस जो चिट्ठा बंद रखा करें, झूठ कहूँ तो भगवान का दुश्मन, भगवान कौन न्यायाधीश जो सच और झूठ को परखे। कुछ भी नहीं कहूँ तो अपने आप का दुश्मन, और कुछ नहीं बोलूंगा तो नहीं सोचेंगे ये तो खोटर है, कुछ नहीं बोलूँ तो अपने आप का दुश्मन। फांसी के चलते बचल सकता हूँ, देश को लाभ नहीं होने दूंगा। जो अरब ये ले गए और पुलिस ने चिट्ठा बांध दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी। 3.5 साल मैंने 5 लाख रुपये कर्जा से डाइव कर्जा से रो रहा है। ये मैं किससे दिन का नहीं ना मैं गाड़ी चला सकता। अब क्यों लाइसेंस की फीस भी नहीं उतरती, बगैर लाइसेंस में गाड़ी कैसे चलाऊ। बालक दुकान कर रहे थे, वो कोरोना में दुकान छूट गई रोहतक में। ये वो किससे काम के लिए ना नोड़गे। Hello,